सारे सबूत सारे गवाह सब पेश कर चुका मैं, पाठक साहब ने अपना इल्जाम भी मान लिया है, अब तो ये केस खत्म और शायद पाठक साहब आपका करियर भी खत्म। आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू, बट अब क्या करें, अदालत है, कानून है, लॉ इज लॉ। योर ऑनर, प्लीज आप अपना फैसला सुना लीजिए। योर ऑनर, मे आई अप्रोच द बेंच? इजाजत है। योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस केस में निर्णय सुनाने से पहले मैं आपके प्राइवेट चेंबर में एकांत में आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, आप दोनों मुझसे मेरे चैंबर में आके मिली। यह अदालत परसों तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। कौन आया था यहाँ? सावंत, तू माल दे। इस बैम्बू से मारा गया, इसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवानी होगी। सर, आपने इथिलोफोबिया के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, लेकिन फोबिया का मतलब होता है डर। आप किस डर की बात कर रहे हैं? हारने का डर। सर, इथिलोफोबिया एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। इथिलोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जहां पीड़ित को सच सुनने में, सच मानने में बहुत कष्ट होता है, और अमीषा इसी बीमारी से पीड़ित है। उसकी बीमारी चरण सीमा पर है। आपको कैसे पता? सर, अमीषा और मैं एक साथ में पढ़े थे, और उसकी बात में आधा सत्य है आधी मिथ्या। ये सत्य है कि आकर्षण था, लेकिन केवल उसकी ओर से मेरी तरफ। वो शादी करना चाहती थी मुझसे। और आपने मना कर दिया होगा। हाउ अनरोमांटिक। सर, उस समय भी अमीषा इस बीमारी से पीड़ित थी, और इसी कारण वो मेरा पीछा कर रही थी, मुझे रिझाने का प्रयास कर रही थी। अपने पिताजी से उसने मुझे 20 लाख रुपये का चेक भी ला कर दिया था ताकि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, लेकिन मैंने वो रकम लेने से इनकार कर दिया। वो किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से मुझसे विवाह करने का प्रयास कर रही थी। अदालत में उसने जो कुछ भी कहा वो सब मनगढ़ंत है। उसकी बीमारी के चलते ये सारी कहानियां बुनी हैं उसने अपने मन में। आज भी उसे ऐसा लगता है कि वो मेरी पत्नी है, जो कि सत्य नहीं है। यार, ये बात आपने अदालत में सबके सामने क्यों नहीं कही? सर, मैं कैसे उसकी बात को ठुकरा था। मैंने आपसे कहा ना, वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जब जहाँ की वो ना सुनी नहीं सकती। वो जो सोचती है वही सत्य होता है, और अगर उस सत्य को ठुकराया जाए तो वो अपनी जान लेने का प्रयास करती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण फिर से दोबारा वो ऐसा करने का प्रयास करे। इसीलिए आपने अदालत में सबके सामने ये बात हमें नहीं बताई। सच नहीं बताया सर, या सच छिपाया? नहीं, मतलब इसकी क्या गारंटी है कि पाठक साहब मेरी क्लाइंट पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मानसिक बीमारी का? यूं ही, ना कोई सबूत ना कोई गवाह। सर, जसवाल साहब, आपको लगता है कि बिना किसी कारण, बिना किसी आधार, मैं किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाऊंगा? दिल्ली के सर्वेश हॉस्पिटल में उसकी इस बीमारी का इलाज चल रहा है। आप कहें तो वहाँ से उसकी फाइल मंगवा दूँ, आपको दे दूँ, या यहीं उसका परीक्षण करवा लें? नहीं नहीं, मतलब योर ऑनर, जो चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग जद्दोजहद करें, और जो चीज़ मैंने कोर्ट में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, मैं जो गवाह है, सबूत है, मैरिज सर्टिफिकेट है, शादी के फोटोज़ हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है पाठक साहब। झूठ है जायसवाल साहब, ये सब यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, वो जो फोटो अदालत में अमीषा ने प्रस्तुत किया है, कॉलेज में हमने एक नाटक किया था जहाँ हम पति पत्नी का पात्र कर रहे थे, वही का फोटो है। और वो जो पंडित और वो महिला, ये भी उस नाटक के पात्र है। अब अचानक इतने वर्षों बाद क्यों ऐसा कर रही है, इसका कारण मुझे नहीं पता। और बाकी सबूत, वो दिल्ली का रेंट वाला एग्रीमेंट? वो एग्रीमेंट भी सत्य है योर ऑनर, किंतु वो मेरे नाम का एग्रीमेंट है। उस घर का
जो मैंने किराए पे लिया था उस घर का अमीशा के साथ कोई लेना देना नहीं था। सर तभी से मैंने अमीशा के साथ संपर्क तोड़ दिया था। सोचा था कि समय के साथ साथ उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन लगता है ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। केडी, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई नो सर व्हाट यू विल से। मिस्टर जायसवाल, नहीं मतलब सर, ये मेरा अजम्पशन है कि आप अगली सुनवाई में क्या कहेंगे, आप वर्डिक्ट सुनाएंगे पाठक साहब के विरुद्ध, क्योंकि मैं साबित करके रहूंगा कि इनके जितने भी पॉइंट्स हैं सब गलत है, और जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी सेक्शन इन पे लगे हैं वो सब मैं प्रूव करूंगा। कम इन। क्षमा जाता हूं, इतनी रात गए तुम्हारे घर आए, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बिल्कुल टाइम पे आने की आदत नहीं गई तुम्हारी। वेल, बहुत अच्छे, तुम चाय पियोगे या एप्पल खाओगे? काट लो। मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। ये बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? ओ, वो कोर्ट केस? क्यों, डर गए क्या? और ये नया ड्रामा क्या है? तुमने जज को बोला कि मुझे मेंटल इलनेस है? वैसे डॉक्टर्स आए थे मेरी जांच करने। केडी, तुम इस हद तक गिर सकते हो? क्या चाहती क्या तुम? चाहती तो मैं तुम्हें थी केडी, लेकिन तुमने मेरी लाइफ पर बात कर दी। खैर, तुम जानना चाहते हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, तो ये लो। क्या है? खोल के देख लो, पता चल जाएगा। केडी, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, तुम्हारे दिए हुए पैसे मैं ले लूंगी, तुम ऐसा मत करो। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगा। आपका अंदाजा सही है अमीशा जी, एक मजलूम औरत को चुप कराने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी केडी। पहले पैसों की रिश्वत और उससे काम नहीं चला तो हिंसा। क्या बकवास कर रहा है तू? इसने खुद हाथ काटा है, ये मुझे फंसा रही है। इंस्पेक्टर मुझे प्लीज बचा लीजिए, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा, प्लीज। केडी, आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चली और कल पूरी दुनिया को पता चलेगा। अब तुम्हारा केस ही नहीं, तुम्हारा करियर भी खत्म। The end. केडी, तुम्हें सिर्फ दो दिन के लिए बेल मिली और इन्हीं दो दिन में तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, वरना फिर से यहीं आना पड़ेगा। दो दिन का समय तो बहुत है मेरे लिए, लौट कर नहीं आऊंगा यार, चल काम करने दे मुझे। केडी, जब से तुम गए हो ना, ब्रूनो पन ठीक से नहीं खा रहा है। सर, एक तरफ खबर है कि ब्राइबरी के इल्जाम की वजह से बार काउंसिल आपका लाइसेंस रिवोक कर देगा, और दूसरी ओर अमीशा का फोन नहीं लग रहा है। इधर अपनी वाट लग गई साहब। आपका जेल जाने का सुन के बहुत दुख हुआ साहब, और जब पता चला कि आप बाहर आए हैं, मैं सीधे आपसे मिलने आया साहब। वो बाबुल को लुटका दिया साहब, और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है साहब। क्यों, तुमने मारा उसे? नहीं साहब, पर वो कबीरा तिवारी, पुलिस को बताया कि मैंने खून किया है साहब। लेकिन साहब, जब मैं वहां गया वो तो पहले से ही खलास हो चुका था। आप कुछ करो साहब, मर्डर का इल्जाम है मेरे पर साहब। एक मिनट निकचंद, केडी से तुम्हारा केस नहीं लड़ सकते, वो खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, उन्हें पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। एक मिनट, जा पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर,
अगर तू निर्दोष है तो। साहब, मैं बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं पुलिस में सरेंडर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं तेरा केस लड़ूंगा, छुड़वाऊंगा तुझे, निर्दोष साबित करूंगा। जा साहब, आप भगवान है मेरे लिए साहब, मैं सीधे थाने जाऊंगा और अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा कि आपके साथ सब अच्छा हो। मैं जाता हूँ साहब। सर, आप नीचंद का केस कैसे लड़ सकते हैं? बड़ी मुश्किल से आपको 2 दिन का बेल मिला है खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, और फिर आपने। वरुण, तू तो जानता है एक निर्दोष व्यक्ति सलाखों के पीछे रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर सब मेरा मुवक्किल पहले, उसे निर्दोष साबित करना पहले, अपना काम सब बाद में। तू सिर्फ अमीशा का पता लगा, बाकी मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैंने वो नंबर जानबूझ कर बंद कर दिया और ये फोन भी बंद कर दूंगी। ठीक है, तुम टाइम पे पहुंच जाना। हाँ वरुण, बोल। सर, अमीशा 2 दिन से घर नहीं लौटी और उसके दोनों फोन नंबर स्विच ऑफ हैं, तब उसे हम ट्रेस कैसे करेंगे? वरुण, अब जो भी होगा अदालत के बाद ही होगा। सर, लेकिन आज आपकी बेल की लास्ट डे है और कुछ ही घंटे बचे। तब प्लीज सर, नेकचंद के केस को पोस्टपोन कर दीजिए। अभी जो भी करना है इतने समय में ही करना है। चल, बाद में बात करता हूँ। पाठक, मैं आपके लिए घर का बना होममेड खाना लेके जेल पहुंचा तो पता चला आप जेल से निकल के कोर्ट पहुंचे हैं, तो मैं यहाँ पे कोर्ट में पहुंचा। वैसे आप वकील के कोर्ट में क्या कर रहे हैं? नहीं, आपका तो वो लाइसेंस रद्द कर दिया है ना, दिस इज नॉट गुड। देखिए जयसवाल साहब जी, हर चीज का एक उचित समय होता है और ये समय आपकी बकवास सुनने का नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी। कांटा लगा, आई लगा। मिस्टर पाठक, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको ये बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपका लाइसेंस रद्द करने की परमिशन दे दी। योर ऑनर, मुझे जो जानकारी मिली है, अभी अभी ताज़ा समाचार जो मुझे मिले हैं, उस अनुसार इनकी जो फाइल है, जो इनका लाइसेंस रद्द करने वाली फाइल, वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट के टेबल तक पहुंच ही चुकी है। उनके टेबल पर है, बस थप्पा लगना बाकी है, सिग्नेचर। एनी मोमेंट थप्पा जब तक लग नहीं जाता योर ऑनर, जब तक हस्ताक्षर हो नहीं जाते, तब तक मैं अपने मुवक्किल का केस लड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन आपका मुवक्किल ज़्यादा देर तक स्वतंत्र रहेगा नहीं। आप लड़ना चाहते हैं, लड़िए, आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती है। लेकिन मैं बिहाइंड द बार 10 मिनट। क्या हुआ था योर ऑनर, 29 मार्च को क्या हुआ, इनके जो मुवक्किल हैं वो नारियलवाड़ी में अपनी ड्यूटी पर थे, तभी नेकचंद जी का फ़ोन आया। फ़ोन पर उनकी झड़प हुई और मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, सबूत है मेरे पास योर ऑनर, सबूत है मेरे पास। ये फोन में सब रिकॉर्ड किया गया है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सुनाऊं यार। परमिशन ग्रांटेड। आप भी सुनिए। फैमिली की बात करता है, देख फैमिली की बात मत कर। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देख आज रात ही उन लोगों को खत्म कर डालूंगा, काट के फेंक दूंगा। बस फिर बात, मतलब ये बांस का बाम्बू लिए नेकचंद जी पहुंच गए वहां पे। साहब, अपुन के जाने से पहले ही बाबुल वहां मरा पड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं, ये तो हर कातिल यही कहेगा ना यार ऑनर, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये जो बाम्बू स्टिक है, जो मर्डर वेपन है, वो पुलिस को मौका वारदात से बरामद हुई है। इस पर नेकचंद जी की उंगलियों के निशान है और बाबुल जी का खून भी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यही कहना है कि बाबुल जी के सर पर जो वार हुआ है वो इसी बाम्बू स्टिक से हुआ है। उसका क्या साहब, ये सच है, मैं डंडा लेके वहां गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा वो डंडा मैंने वहीं छोड़ दिया था, किसी ने मेरे जाने के बाद उसमें खून लगाया होगा। हो सकता है, ऐसा अक्सर होता है, जैसे अमीशा जी ने भी पाठक साहब की उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं लगा दिए थे, वैसा मतलब। मिस्टर जायसवाल, जो केस है उसी पर रही, यहाँ नेकचंद की बात हो रही है, मिस्टर पाठक की नहीं। अच्छा, नेकचंद जी की बात करते हैं। और उन्होंने नेकचंद जी ने अगर खून नहीं किया, नेकचंद जी का कहना है कि जब वे वहां पहुंचे तब बाबुल जी ऑलरेडी मरे पड़े थे, तो फिर वहां से भाग क्यों गए? इतना ही नहीं, मतलब भागे, इतना भागे कि चोरी छुपती भागते रहे, पुलिस की नजर से बचते रहे, ऐसा क्यों? योर ऑनर, हमारे माननीय जयसवाल साहब के पास संभवतः ये जानकारी नहीं कि ये भाग नहीं रहे थे, इन्होंने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। मैं यही बुलवाना चाहता था आपके मुंह से, इन्होंने आत्मसमर्पण किया नहीं है, करवाया है आपने, ये आपकी ट्रिक।
साइकोलॉजिस्ट। ज्ञानी है आप? मैं ज्ञानी नहीं हूँ योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान की खुद की नैया भंवर में फंसी हो वो दूसरे की नैया कैसे पार लगाएगा। अब तक तो साइन हो चुके होंगे, नहीं क्या लगता है आपको? योर ऑनर, जसवाल साहब बार बार उस विषय को उठा रहे हैं जिस विषय का इस केस के साथ कोई संपर्क नहीं, ऐसा करके मेरा समय व्यर्थ करने का प्रयास कर। अरे जिसका समय खत्म हो चुका हो उसका समय व्यर्थ किया? खत्म हुआ ये समय ही बताएगा जसवाल साहब। रही समय की बात योर ऑनर, ये बाबुल की घड़ी, किरोनर ये घड़ी टूटी हुई और जब टूटी थी उसे समय पर रुक गई थी। अभी भी इस घड़ी में 3:11 हो रहे। किरोनर स्पष्ट है कि जब प्रहारकर्ता ने इस डंडे से बाबुल पर प्रहार किया होगा, बाबुल ने अपने बचाव में अपना हाथ उठाया होगा जिसके कारण ये घड़ी टूटी। किरोनर इसमें 3:11 हो रहे। वाह क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने तो वो बताया जो पोस्टमार्टम में लिखा है। लिखा है योर ऑनर के 3-4 के बीच में मौत हुई तो ये जसवाल साहब कि बाबुल के जिस फोन पर आपने वो रिकॉर्डिंग अदालत को सुनाई उस फोन पर एक कॉल भी किया गया था बाबुल द्वारा नेक चंद को योर ऑनर 3:20। मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि अगर इस घड़ी के अनुसार बाबुल की हत्या 3:11 पर हुई या उसके आसपास योर ऑनर, फिर बाबुल के फोन से 3:20 पर 9 मिनट बाद एक मृत व्यक्ति कैसे नेकचंद जी को फोन कर सकता है? पाठक आपकी दलील सही है, वैलिड है आपका पॉइंट, लेकिन हम ये साबित नहीं कर सकते कि घड़ी उसी समय टूटी जब हत्या हुई। वी कैन अज्यूम नॉट प्रूव। तो मैं जवाब दूं योर ऑनर, हो सकता है कि जब बाबुल की घड़ी टूटी हो तब वो जिंदा हो, मतलब जिंदा हो तब घड़ी टूटी, उसके बाद नेकचंद जी जब पहुंचे तब भी बाबुल जिंदा था उसके बाद मरा, हो सकता है, पॉसिबल योर ऑनर। योर ऑनर कैसी आवाज आ रही है बाहर? योर ऑनर, बाहर मीडिया को अपने सोर्सेस से पता चला है कि केडी पाठक का लाइसेंस ऑफिशियली रद्द हो चुका है। Silence in the court. और सर उसकी साइंड कॉपी अदालत में पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। आई एम सॉरी पाठक साहब, ये आखिरी केस होगा आपका और ये भी आप जीत नहीं पाएंगे। आई एम सो सॉरी। योर ऑनर, मीडिया की बातें अक्सर कहीं सुनी होती, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि अदालत कहीं सुनी बातों पर विश्वास न करे, जब तक लिखित सूची आपकी मेज तक नहीं पहुँच जाती मुझे ये केस लड़ने की अनुमति दे। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई ऐसी दलील है जो ये साबित कर सके कि बाबुल की हत्या आपके मुवक्किल ने नहीं की। योर ऑनर, संभव है कि मैं इतने कम समय में साबित नहीं कर पाऊं, लेकिन प्रयास तो कर ही सकता हूं। अनुमति। धन्यवाद। योर ऑनर, जो वार्तालाप बाबुल के फोन में अंकित की गई थी जो जसवाल साहब ने अदालत को सुनाया, वो आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार फिर सुनना चाहूंगा। अनुमति। मैं ला के देता हूं। एक मुहावरा याद आ रहा है, मरता क्या करता। आप मेरा टाइम वेस्ट मत। फैमिली की बात करता है, देख फैमिली की बात मत कर। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देख आज रात ही उन लोगों को खत्म कर डालूंगा, काट के फेंक दूंगा। क्या हो रहा है योर ऑनर, ये अदालत है, इन्होंने थिएटर बना के रखा है। वंस मोर। मिस्टर पाठक, आपके पास कुछ कहने के लिए है क्या? योर ऑनर, एक अंतिम बार सुनना चाहूंगा। कितनी बार? फैमिली की बात करता है, देख फैमिली की बात मत कर। मुझसे पंगा लिया था ना। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि उस रिकॉर्डिंग को एक बार ध्यान से सुने। फैमिली की बात करता है, देख फैमिली की बात मत कर। मुझसे पंगा लिया था। मिस्टर पाठक, जहाँ योर ऑनर, आज रात ही उन वार्तालाप के पीछे कर डालूंगा अजान की ध्वनि सुनाई दे रही है।
हाँ साहब, मैंने भी वो आवाज सुनी थी जैसा जब मैंने बाबुल को फोन किया था। योर ऑनर, मेरा अदालत से प्रश्न अब ये है, दोपहर और शाम में दो बार अजान होती है, दोपहर को जोर की अजान जो 1 बजे के आसपास होती है और शाम को असर की अजान जो 5 बजे होती है। ये वार्तालाप 3:20 पर रिकॉर्ड की गई, उस समय तो कोई अजान नहीं होती, फिर इस वार्तालाप के पीछे अजान की ध्वनि कैसे सुनाई दे रही? यानी आपका कहना है कि जब अजान हो रही थी मस्जिद में, उस वक्त बाबुल ने नेकेद को फोन किया। मैं समझाता हूं योर ऑनर, सर्वप्रथम जोर की अजान के समय बाबुल का स्वर रिकॉर्ड किया गया, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ये सब रिकॉर्ड किया किसने? जसवाल साहब उसी ने जिसने बाबुल की हत्या की, नेकचंद को फंसाया। बेकार के प्रश्न मत करिए। फिर योर ऑनर, हत्यारे ने बाबुल की हत्या की, हत्या करने के पश्चात 3:20 पर बाबुल के फोन से नेकचंद को फोन किया और वो पूरा कॉन्वर्सेशन, वो पूरा वार्तालाप बाबुल के फोन में अंकित हो गया। योर ऑनर, इंपॉर्टेंट नोटिस है। पाठक, इस लिखित डॉक्यूमेंट के बाद आप कोई और केस नहीं लड़ोगे। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं बार काउंसिल और अदालत का आदर करते हुए केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि सुची ने मेरे केस लड़ने पर रोक लगाया है, आपके निर्णय पर नहीं। मैं इस अदालत में स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरा मोक्किल हत्यारा नहीं है, बस आपके निर्णय की प्रतीक्षा है। अदालत सारे पक्षों और हालातों पर गौर करते हुए नेकचंद को बाबुल के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती और पुलिस को आदेश देती है कि इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाएं और जो भी असली कातिल है उसे फौरन गिरफ्तार करें। द केस इज क्लोज। और मिस्टर पाठक का बेल समय समाप्त होने पर और उनका अपनी सफाई में कुछ सबूत न पेश करने पर उन्हें वापस हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ आपका लॉ लाइसेंस बैन होने पर मिस्टर पाठक, अब आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पाठक साहब, आज पहली बार मुझे अपने हारने का दुख नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोस हो रहा है आपके। बस 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 बस, आपको कितना दुख हो रहा है मैं जानता हूँ। तो दो ही बातें कहना चाहता हूँ जयसवाल साहब। सर्वप्रथम ये कि परिवर्तन दुनिया का नियम है, दूसरा ये कि समय की धारा को कोई नहीं बदल सकता, समय आने पर सब कुछ समझ जाएंगे। साहब, जब से आपने मेरा केस लिया आपके साथ बुरा ही होता जा रहा है। आप मेरे लिए भगवान हैं, लेकिन मैं आपके लिए पनौती हूँ। अरे नहीं नहीं चंद, ऐसा नहीं बोलते। आपसे आपने मेरे से एक रुपये फीस भी नहीं लिया। फीस तो मैंने मांगी है तुमसे, कि तुम शराब को कभी हाथ नहीं लगाओ। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हैं जयसवाल साहब? सोच रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं कि सोचने के लिए कुछ होना जो है नहीं। छोड़िए ना, सोचते क्यों इतना, चलिए। आप देख सकते हैं
गया, आज खुद को बचाने में असफल हो गए। Is this the end of Mr. KD Pathak? पाठक पाठक पाठक, कहा था मैंने आपसे, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। 12 नारियल के चक्कर में आपने अपना पूरा करियर तबाह कर लिया। महान हो आप, भगवान इनके मन को शक्ति देना। केडी साहब, ये जगह है, चोरी के केस में पकड़ा गया। वार्डन ने कहा आज रात इसे आपके सेल में रखना है क्योंकि बाकी सारे सेल्स फुल है। ठीक है। मरना चाहता है मुझे। बोल इंस्पेक्टर। बिना किसी कारण मेरी जान लेने पे तुला था। आपने पूछा क्यों ऐसा किया उसने? सर कितना मारा मैंने जगह को, लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं है। मिस्टर पाठक, सॉरी टू से, आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे। हो सकता है कि इसको उसमें से किसी ने भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मतलब ये कि हम आपको खुफिया तौर से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी रातों रात। आई होप कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है। हेलो, ठीक है।
साहब बहुत जोर किया है, बस दो मिनट में। यार तू भी ना अपनी टाकी बहुत खुल करके चलता है। बस सब आया, जल्दी जाता हो गया जाओ। केडी सर। क्या हुआ शंकर, जंगल के बीच गाड़ी क्यों रोकी? क्या हुआ? संभाल के शंकर, सर्विस रिवॉल्वर। केडी सर, जग्गा ने अपना मुंह खोल दिया। आपको नहीं पता आपके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आपको क्या लगता है वो वार्डन आपकी सेफ्टी के लिए आपको दूसरी जेल में भेज रहा है? केडी सर, आपको मारने का ऑलरेडी प्लान बन चुका है। आपके जाते आपका खेल खत्म, समझे? अच्छा, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है कौन? कौन है इसके पीछे ये नहीं पता, पर वार्डन मिला हुआ है, जग्गा उसी का आदमी है। बहुत बहुत बड़ा गेम है सर। आपने जो वो नेक्चन का केस लिया था ना, उसको लेके। नेक्चन का केस तो बहुत ही साधारण सा केस है, उसका इन सब से क्या लेना देना? आप सोचिए मत सर, आप बस भागिए, जाइए यहाँ से। आपके करियर में आपने न जाने कितने बेगुनाहों की मदद की है, और सर मेरा दिल कहता है कि आप बेकसूर हैं। ये लीजिए आपका मोबाइल, आपको काम है। इससे पहले कि वो हवलदार आ जाए, आप अब जाइए यहाँ से, भागिए जल्दी प्लीज। थैंक यू समदार। क्या केडी, कैसी लगी? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे नेक्शन का केस नहीं लेना चाहिए था, समझा? हेलो पुलिस कंट्रोल, मैं इंस्पेक्टर सामतर बोल रहा हूँ। केडी ने अभी अभी मुझे गोली मारी है, प्लीज जल्दी आओ, भाग के बचाओ, मुझे पकड़ो। यहीं कहीं छुपा है, तू आ जा और तू आ जा। इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां? मैंने सिर्फ वरुण को बताया, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो। हेलो केडी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हें जानबूझकर फंसाया। क्यों? तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। कहाँ हो तुम? खंडाला में, बुशी डैम के पास वाले रीगल बंगलों में। हेलो, केडी पाठक हमें चकमा देके भाग गया। केडी सर, आप कहाँ हैं? सुन, ज्यादा सवाल मत कर, मैंने सिर्फ तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मैं ठीक हूँ और अमीषा का पता लग गया है। मैं वहां जा रहा हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ तुझे।
I'm so sorry, KD. मुझे मेरे किए पे पछतावा है। ये सब किया क्यों तुमने? किसी के कहने पे। किसके कहने पर? वो। अभिषा। उस व्यक्ति का नाम बताओ मुझे। अभिषा। वाह पाठक वाह, तुम इसीलिए पुलिस से भागे ना, ताकि इस निहत्ती महिला का खून कर सको। ये सब ऊपर जाके सोचना। मुझे मेरे किए पे पछतावा है। ये सब किया क्यों तुमने? किसी के कहने पे। किसके कहने पर? वो। हिडी की गाड़ी यही है, मतलब हिडी भी आसपास ही होगा। ए बाइनोकुलर्स, ए ड्राइविंग सीट कुत्ते से सूंघा। सर मान लीजिए अगर कोई खतरनाक कुत्ता पीछे पड़ा हो तो फिर उससे कैसे बच सकते हैं? बहुत सिंपल है, दो पेड़ों के बीच आर्ट का साइन बनाओ, वहां से कूदो और भाग जाओ। साला कुत्ते को भी चकमा दिया किडी ने, बचकर जाएगा कहाँ? तुझे तो मैं कफन पहना करूंगा किडी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम लाना है, मैं रशिया से इंडिया आई हूँ अपनी बहन को ढूंढने। बैठिए, आपका मतलब है कि आपकी बहन मिसिंग है? यस, वो मुंबई में एक्ट्रेस बनने आई थी लेकिन दो हफ्ते से उसका कोई न्यूज नहीं है एंड आई एम वरीड। ये रहा इसका फोटो, उसका नाम साशा है। उसने लास्ट टाइम आपसे कांटेक्ट कब किया था? दो हफ्ते पहले उसने मेरे मोबाइल में ये फोटो भेजी थी। ये क्या है? पता नहीं, मुझे कुछ मजाक लगा बट। ए, पेन नीचे रख।
केडी, अब क्या बच के जाएगा? सामने मैं, पीछे खाई, अब मेरी गोली आई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.